मैं श्री श्याम जी मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। आइए आज देखते हैं और समझते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच क्यों रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव ही क्यों सोचना चाहिए। हमेशा हमेशा इंसान से ही इंसान की उत्पत्ति होती है, हमेशा जानवर से जानवर ही उत्पन्न होता है, पक्षी से हमेशा पक्षी ही उत्पन्न होता है। नकारात्मक सोच, हमेशा नकारात्मक थिंग, नकारात्मक एक्टिविटी, नकारात्मक सोच को उत्पन्न करती है। जैसा हम सोचेंगे, एक बहुत हमारे विद्वान कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा तुम अन्न खाओगे ऐसा ही मन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप चना खाओगे तो चना जैसा मन हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जैसी संगति में बैठोगे, जिस तरह के व्यवहार में रहोगे, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहोगे, उस तरह का आपका व्यवहार हो जाएगा। तो हमें हमेशा इसीलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी सारी एक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएंगी, हमारा हर करने का तरीका पॉजिटिव होगा जब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे। अगर हम अपने पास नेगेटिव सोच रखेंगे तो सारा करने का तरीका, जो दिमाग में जो थॉट आएंगे वो भी नेगेटिव आएंगे, जो हम करेंगे नेगेटिव मन से करेंगे, हमारा मन भी हमेशा नेगेटिव सोचेगा अगर हम नेगेटिव सोच अपने माइंड में रखेंगे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच को नहीं ला सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने चाल चलन को, हर चीज को अपने पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, सकारात्मक सोच में बदलना पड़ेगा। लेजी ने अगर आप लेजी तरह से चलते हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नकारात्मक सोच का प्रभाव है। आप चलते हो तो एक्टिव चला करो, आप किसी से बात करते हो तो एक्टिव चला करो, एक्टिव बात करा करो, हाथ मिलाते हो तो एक्टिव हाथ मिलाया करो, हर समय आप एक्टिव रहा करो। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और हर चलने वाली चीज एक्टिव हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में जो नकारात्मक भी चल रहा होगा वो भी सकारात्मक होने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी, आपका हर जीने का रंग, हर ढंग आपने पॉजिटिव बना लिया है। अगर आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बनना है, तो नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। जैसे दीपक जलता है तो उसके पास अंधकार नहीं आ सकता, इसी तरीके से आपको भी, जब तक आप किसी अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाओ, अपने गोल को हासिल ना कर लो, तब तक आपके पास नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव सोच आएगी तो वो नेगेटिव ही सोच उत्पन्न करेगी। नेगेटिव सोच सिर्फ नेगेटिव सोच दे सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि नेगेटिव सोच के सोच में पॉजिटिव सोच दे दे। अगर पॉजिटिव सोचोगे तब आपकी सारी एक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपकी सारी एक्टिविटी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर नेगेटिव तरीके से किसी चीज़ को देखोगे तो उसको देखने का तरीका भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और सामने वाला भी आपको नेगेटिव दिखाई देगा। अगर पॉजिटिव तरीके से किसी सामने वाले के बारे में सोचोगे तो आपका उसका हर ढंग, हर रंग, चलने का तरीका आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो तब तक आप पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।